विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मनोहर आप भोपाल से हैं? जी सर। और हम वहाँ के जमाई राजा हैं। बिल्कुल सर। अगर सर आप कहें तो मैं अपना परिचय उसी अंदाज में दूं जो मेरी जॉब प्रोफाइल है। जी जी। तो नमस्कार, मेरा नाम है दीपेश जैन और मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आज केबीसी के मंच पर आ चुका हूं और मेरे सामने हैं बॉलीवुड के शहंशाह बिग बी श्री अमिताभ बच्चन जी। मेरा परम सौभाग्य है कि 20 साल की मेरी जो मेहनत थी, जो तपस्या थी, जो मेरी कोशिश थी, जो मेरा प्रयास था, वह असफल हुआ है। और दीवानगी इस कदर थी कि मैं अपने मोबाइल के रिंगटोन में केबीसी की सिग्नेचर ट्यून लगा के घूमता था। लोग हंसते थे, उपहास उड़ाते थे, कटाक्ष करते थे, लेकिन मैं सब कुछ झेलता था क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन मैं हॉट सीट पर जरूर पहुंचूंगा। और आज बहुत बहुत बधाई आपको दीपेश जी। खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। एक बार फिर आपका ध्यान जो है लाइफ लाइन्स के ऊपर आकर्षित मैं करवाना चाहूंगा। ऑडियंस पोल है, यहाँ की बहुत ही होनहार जनता, इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 50-50 है वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने, ₹1,000। पहला प्रश्न ये रहा, इनमें से कौन सा शब्द किसी घटना के बारे में ताजा समाचारों को दर्शाता है जो अभी अभी हुई है या रिपोर्ट किए जाने के दौरान विकसित हो रही है? Which of these terms refers to fresh news about an event that has just taken place or is developing while being reported? Option suniye: A. Crashing news, B. Smashing news, C. Breaking news, or D. Cracking news. Sir, जिससे सुबह होती, जिससे शाम होती है, C. Breaking news को sir please lock कीजिए. C पे इतना लगाया जाए? बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। दीपेश जी आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आ रहा है, ₹5,000 इसका मूल्य है और वो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से किस फिल्म में राहुल देव बर्मन का संगीत नहीं है? Which of these movies does not have music composed by R.D. Burman? ऑप्शन सुनिए, ए शोले, बी दीवार, सी दो बीघा जमीन, ये डी कटी पतंग। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, दो बीघा जमीन। सी पे ताला लगाया जाए, दो बीघा जमीन, बिल्कुल सही जवाब दिया। अब इधर ध्यान दे दीजिए, पांचवा प्रश्न आएगा, ₹10,000 इसके लिए मिलेंगे आपको। पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मध्य प्रदेश के इंदौर के एक कस्बे मऊ का नाम बदलकर किस समाज सुधारक के नाम पर रखा गया है जिनका जन्म वहां हुआ था? Mau, a town in Indore, Madhya Pradesh, has been renamed after which social reformer who was born there? A. Babu Jagjivan Ram, B. Dr. B.R. Ambedkar, C. Manivar Kanchiram, D. Baba Amta. Sir, Kanchiram ji, UP se, Jagjivan Ram, Babu Jagjivan Ram ji, Bihar se, Baba Amta saab, Maharashtra se, Dr. B.R. Ambedkar sir. इनका जन्म इंदौर के पास महू में हुआ था, तो प्लीज लॉक ऑप्शन सर, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बी पे थोड़ा लगाया जाए, प्लीज लॉक ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला बहुत बार हो गया आपने। बधाई आपको। सातवां प्रश्न आ रहा है, ₹40,000। सातवां प्रश्न ₹40,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सितंबर 2022 तक के संदर्भ में डॉक्टर एम तंबीदुराई इनमें से किस पद पर आसीन अंतिम व्यक्ति थे? डॉक्टर एम तंबीदुराई वॉज द लास्ट पर्सन एज ऑफ सितंबर 2022 टू होल्ड विच ऑफ दीज पोस्ट्स? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, बी चेयरमैन इसरो, सी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, डी डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा। उप प्रधानमंत्री, इसरो के अध्यक्ष, भारत के गवर्नर जनरल या लोकसभा के उपाध्यक्ष? सर ये दक्षिण भारत से आते हैं, चूंकि उप प्रधानमंत्री तो अभी कोई भी नहीं रहा है, इसरो के अध्यक्ष भी नहीं है, ये राजनेता हैं। भारत के गवर्नर जनरल भी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि राजनेता। सर लोकसभा के उपाध्यक्ष, प्लीज लॉक ऑप्शन डी, लोकसभा के उपाध्यक्ष। डी पे थोड़ा लगाया जाए, सही जवाब दिया है आपने भाई साहब।
दीपेश जी, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2022 यूएस ओपन एकल खिताब जीतकर ओपन युग में सबसे कम उम्र के नंबर वन पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने? Who won the 2022 US Open singles title to become the youngest number one ranked male tennis player in the Open era? Options are A. Casper Ruud, B. Carlos Alcaraz, C. Daniel Medvedev, or D. Stefanos Tsitsipas. Sir, option B लग रहा है, Carlos Alcaraz. Okay. अभी हाल ही में मैंने पढ़ा था Carlos का नाम. सर बी के साथ जाना चाहूंगा। बी के साथ, ऑलराइट। कहना पड़ेगा, क्या करें, लॉक कर दें? ऑप्शन बी सर लॉक की। ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। वाह, सर का दूसरा ब्लॉक पार कर दिया आपने। इंडिया दूसरे राउंड में जीत गया। स्पेन के कार्लोस अल्कराज 19 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 19 साल की उम्र में नंबर वन रैंक के खिलाड़ी बने। उन्होंने यूएस ओपन के फाइनल में कैस्पर रूड को इन्होंने हराया था। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अब आ गया है 11वां प्रश्न। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। 6,40,000 रुपए। रेडी? 11वां प्रश्न दीपेश जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसरो में काम करते समय इनमें से किस वैज्ञानिक का उपनाम बिजी बी था? विच ऑफ दीज साइंटिस्ट हैड द निकनेम बिजी बी while working at ISRO? Option suniye: A. Dr. APJ Abdul Kalam, B. Dr. Homi Bhabha, C. Dr. Homi Sethna, ya D. Dr. K. Radhakrishnan. Sir, option A aur option B mein thoda sa main confuse ho raha hu. Busy B, B se Bhabha ya Dr. Kalam. तो डॉक्टर कलाम साहब बड़े आदर्श रहे हैं और उन्होंने जितना दिया देश को, तो मुझे लगता है वो बहुत व्यस्त रहते होंगे, शायद इसीलिए उनको बिजी भी कहा गया हो। तो मैं सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूंगा। ए के साथ जाएंगे, आपको कहना पड़ेगा ताला लगा जाए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ए पे लॉक किया जाए। ये था नो रिस्क क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपसे कहा था। और ये प्रश्न था 6,40,000 रुपए का दीपेश, और जीत गए आप 6,40,000। बधाई बधाई बधाई। तो मान्यवर 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, 6,40,000 रुपए जीत गए हैं। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 12वां प्रश्न दीपेश जी, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के साथ कौन सी अन्य झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले रामसर वेटलैंड स्थलों की सूची में जोड़े जाने वाली पहली जगह थी? विच लेक अलोंग विथ केवलादेव नेशनल पार्क was one of the first two locations in India added to the Ramsar list of wetlands of international importance? Here are options aapke samne: A. Dal Lake, B. Loktak Lake, C. Chilika Lake, D. Lonar Lake. Chilika, Loktak, Chil, डल झील। डल झील कश्मीर में सर, सर लोकटक झील मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पढ़ा इसके बारे में कि लोकटक झील को जो है वेटलैंड स्थलों की सूची में शामिल किया गया है।
इस स्तर पर आके हम जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको कहते हैं कि आपके पास एक लाइफलाइन है, सही उत्तर आपको देंगे 12:50, गलत आपको नीचे ले आएंगे 3:20 पे, समय ही समय आपके पास। सर लाइफलाइन ले लेता हूँ। ऑलराइट, आखिरी बची हुई लाइफलाइन है कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए। दिपेश जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे, ये है वो नाम। रवीश श्रीवास्तव है, राजू सैनी है, प्रमोद यादव। सर राजू सैनी जी को कॉल लगाएंगे। राजू सैनी जी को लगाएंगे, ओके। राजू सैनी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये कौन है, आपके मित्र हैं? ये वर्तमान में स्टेशन मास्टर हैं, लेकिन ये कोचिंग क्लासेस भी चलाते हैं और गरीब बच्चों को अच्छे से पढ़ाते ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी तैयारी करें। राजू सैनी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है आपसे बात करके आपको प्रणाम करता हूँ, आप हमारे आदर्श के। अरे भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजू जी, मेरे सामने दिपेश जैन जी बैठे हुए हैं हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, तो अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शंस हैं, ABCD, आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर अंदर कि सही उत्तर क्या है। जी सर। दिपेश जी, आपका समय शुरू होता है। आप राजू भैया, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के साथ कौन सी अन्य झील अंतरराष्ट्रीय महत्व वाले रामसर वेटलैंड स्थलों की सूची में जोड़े जाने वाली पहली जगह थी, यानी पहली जगह कौन सी थी, डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या लोनार झील। वेटलैंड स्थलों की सूची में जोड़े जाने वाली पहली जगह थी डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या लोनार झील, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के साथ। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के साथ कौन सी अन्य झील अंतरराष्ट्रीय महत्व वाले रामसर वेटलैंड। चिल्का सर। चिल्का झील पक्का है, कंफर्म है? चिल्का कंफर्म है जी सर। ठीक है सर जी, सर सी चिल्का झील। चिल्का के साथ जाएंगे, सी चिल्का लेक पे ताला लगाया जाए। कितना विश्वास है आपको इनके ऊपर? सर पूरा है सर, ये बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत पढ़ाई करते हैं। और किस पे मेहनत कर रहे हैं ये मतलब जीके इनका बहुत अच्छा है सर। ऐसा सर 12:50 जितवा दिया आपने, क्या बात है राजेश सैनी जी, वाह वाह वाह।